भारतीय किसान संघ पुनासा के द्वारा आज छठवें दिन भी एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन जारी रहा। भारतीय किसान संघ पुनासा के समर्थन में खंडवा जिले की सभी तहसीलों में एक घंटे का सांकेतिक धरना तहसील मुख्यालय पर देंगे। सभी बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे, जिसमें किसानों की मुख्य मांगे 22 बिंदु पर है। इन समस्याओं को लेकर किसानों का आंदोलन छठवें दिन भी जारी रहा। खंडवा जिला अध्यक्ष राधेश्याम चाचरिया, तहसील अध्यक्ष हरीश सिंह डोंडे, मंत्री सुभाष यादव सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे और किसान संघ का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती जब तक हम धरना जारी रखेंगे। पुनासा से पदम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज पुनासा तहसील के अनिश्चितकालीन धरने पर छठवां दिन है। इसी को देखते हुए हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि पुनासा तहसील के समर्थन में खंडवा जिले की 6 तहसीलें खंडवा, पंधाना, छेगांव माखन, हरसूद, खालवा, किल्लोत एक घंटे का सांकेतिक धरना इन्हीं बिंदुओं पर देगी पुनासा के समर्थन में। जगदीश गोविंद जी मालिया 35,000 रुपए ब्याज उनका से वसूल करे सोसाइटी में ना। तो भाई चुनाव तो कबो को करो, जितारी भी दिया सब कर हुई को, तो ब्याज तो माफ करा रहो। और जब किस्त तो को वितरण हुए हो तो आज सोसाइटी में हमारा विधायक महोदय जी ने कहो तो हमने भी कहो कि पहले महीने पहली, दूसरे महीने दूसरी और तीसरे महीने तीसरी। तो तीसरी किस्त का तो साल भर हुई को। और अभी जो निमज मंसूर तरह वाला पाला पड़े ने बोले मुख्यमंत्री जी आदेश कर रहा है कि 10 दिन के अंदर सर्वे करके 30,000 रुपए हेक्टर से इनको पैसे दिए जाएंगे। अरे भाई उनका कहा लाली पाप देगा, साल भर का पकाए थे पर इनका तो दे दो, फिर उनको लाली पाप दीजिए तुम वहां। हम यहाँ 5 दिन का बटियाल थे, आज 5वां दिन आए। कल विधायक साहब आया था तो यहाँ बस चलो 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 चलो। अरे तो किसान का बीच में बैठा था, ढोरना के बीच में थोड़ी बैठा था, ये सब किसान था कि यहाँ कल 500-400 किसान कल हमारा आयल था। तो आपने यहाँ पर हमका ये नहीं चाहिए कि हम तुम्हारे से आज एक पैसा मांगे राज। विधायक महोदय जी आपने हमका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।